हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और वेलकम टू इजी विल लर्निंग्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आरसीएम के टॉपिक में से रियल एस्टेट के प्रोविजंस, मतलब जब परचेजेस होती है अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो आरसीएम के क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इन डिटेल में आज समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, चाहूं तो मैं पूरा का पूरा समझा सकता हूं, पर ये एग्जाम रिलेवेंट नहीं है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 20% सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और 80% हम क्या फोकस करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, कि एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है, हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे मेन है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रीफली इन शॉर्ट। देखो क्या होता है, जब भी किसी प्रमोटर को कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है, उसके कुछ इनपुट भी होंगे आउटपुट भी होंगे, पर अभी बीच में क्या चल रहा था कि रियल एस्टेट बहुत कमज़ोर हो चुका था, तो गवर्नमेंट ने उसको रिवाइव करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए, बहुत सारे रेट्स को रिफॉर्म किया। अब उसमें से एक रिफॉर्म ये था कि प्रोमोटर को बोला कि देखो, जब भी आप रेजिडेंशियल्स या कमर्शियल्स इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आप सेल करोगे, तब आप 1% और 5% का आउटपुट टैक्स लगाओ, जो कि पहले 18% 12% होता था। और जो आपका इनपुट है ना, उसका क्रेडिट फिर मत लो, क्योंकि आउटपुट का मैंने इतना रेट कम किया तो इनपुट मत लो। तो आज जो फोकस है वो आउटपुट पे नहीं करने वाले, सारा का सारा फोकस इनपुट पे करने वाले, मतलब किसी का प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रमोटर के क्या क्या परचेजेस है हम उस पर फोकस करने वाले हैं। इतना समझ रहा है? अब देखो, जब भी कोई बिल्डिंग बनाता है ना, दो मेजर खर्चे हो सकते हैं, मगर मेरे को ब्रीफली क्लासिफाई करना पड़े या ब्रॉडली क्लासिफाई करना पड़े, एक होता है लैंड कॉस्ट और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर मैं लैंड कॉस्ट की बात करूं तो तीन तरीके से वो लैंड ऑक्यूपाई कर सकता है। सबसे पहला वो परचेज कर ले, दूसरा उसका जो LDR है, लैंड डेवलपमेंट राइट, वो ट्रांसफर करके ले ले, और तीसरा लैंड को लीज पे ले ले मोर देन 30 ईयर्स। जब मैं परचेज ऑफ लैंड की बात करूं तो ये तो नो सप्लाई हो गया, क्यों, क्योंकि शेड्यूल 3 में स्पेसिफिकली कवर्ड है, और बाकी जो दो बचे हैं वो ऑलरेडी RCM में कवर्ड है। मतलब ये प्रोमोटर अगर लैंड ऑक्यूपाई करता है बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेवलपमेंट राइट और लीज मोर देन 30 ईयर्स, तो उस पर RCM का पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये वीडियो में मैं जो फोकस करने वाला हूँ ना, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो, इतना क्लियर हो चुका है कि आउटपुट टैक्स पे 1% 5% लगेगा और इनपुट पे जो क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, ये प्रमोटर था बड़ा चालाक, और ऐसे बहुत थे, उनने मिसयूज करना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने जो परचेज करना स्टार्ट किया सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन से। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी बिल आता था ना रजिस्टर्ड पर्सन से, तो GST लग के आता था। जैसे 100 रुपये वैल्यू है, 18 रुपये GST, टोटल जो 118 है ना, वो उसका कॉस्ट बन जाता था। और वो कॉस्ट को कैसे कम करें, सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड पर्सन की जगह अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करें। बस इसी को ठीक करने के लिए एक नोटिफिकेशन आया, ये वाला, उसमें क्या बोला कि आपको मिनिमम है ना 80% जो परचेज है ना वो रजिस्टर्ड पर्सन से करना ही पड़ेगा कंपल्सरीली। एडिशनली दो और चीज़ बोली, क्या बोली, सीमेंट जो आप परचेज करते हो वो भी रजिस्टर्ड पर्सन से करना पड़ेगा, चाहे 10 रुपये भी की क्यों ना हो, और जो भी आप कैपिटल गुड्स मशीन यूज करते हो इन कंस्ट्रक्शन, वो भी आपको कंपलसरी रजिस्टर्ड पर्सन से ही परचेज करना पड़ेगा। आपने पूछा अगर नहीं किया तो क्या होगा, तो बोला कि अगर आप परचेज नहीं करते हो मिनिमम 80%, तो आपको RCM पे पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। मतलब जो भी शॉर्टफॉल रहेगा, समझो आपके एक्चुअल परचेजेस है रजिस्टर्ड से 65, तो जो 15% बचेगा उस पर आपको RCM पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। फिर आप क्वेश्चन पूछते हो, अगर सीमेंट मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की, तो इफ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में RCM लगेगा, वो भी कितनी रेट से, 28% की रेट से, क्योंकि सीमेंट का रेट 28% है। तीसरा, अगर कैपिटल गुड्स परचेज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो आपको जो एप्लीकेबल रेट होती है वो कैपिटल गुड्स पे, वो मशीन पे, वो आपको RCM में पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है, जब सम सॉल्व करेंगे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखो, इसमें एक आपको वर्किंग नोट बनाना है। देखो, परचेजेस दो तरीके के हो सकते हैं, लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एग्जाम में ये वाला पूछने के चांसेस कम है, तो फोकस अपना सारा रहेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे। अगर लैंड कॉस्ट का डिटेल दे दें तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है आपको पता है, क्लियर है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को आपको दो वे में बाइफोकेट करना है, कितना रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया उसका परसेंटेज, कितना अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया उसका परसेंटेज निकालना है। मतलब अगर ये 100 होगा परसेंटेज, तो इसको डिवाइड करना है कि रजिस्टर्ड से कितना परचेज किया, अनरजिस्टर्ड से कितना परचेज किया, उसका परसेंटेज लिखना है। ठीक है, अब जो अनरजिस्टर्ड है उसमें तीन पार्ट करना है, सीमेंट का कितना परसेंटेज है परचेज का, कैपिटल गुड्स का कितना परसेंटेज है अमाउंट वाइज जाना ऑब्वियसली, और अदर देन सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स उसका क्या परसेंटेज है। सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो 28% पे RCM पेमेंट करना है, कैपिटल गुड्स करते हैं तो RCM पेमेंट एप्लीकेबल जो रेट रहेगा HSN के हिसाब से वो करना है। उसके बाद अब इन तीनों का आपको टोटल करना है कि इसका परसेंटेज कितना है। समझो रजिस्टर्ड से आपने परचेज किया हुआ है
50%, सीमेंट समझो 10% थी और 10% था कैपिटल गुड्स, मतलब टोटल कितना हो गया 70%। अब इसको कंपेयर करना है आपको 80% से, और शॉर्टफॉल जो भी रहेगा ना उस पर आरसीएम पेमेंट करना है 18%, मतलब 10% पे आपको 18% आरसीएम पेमेंट करना है। अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक नोटिफिकेशन आया था उसमें तीन इलस्ट्रेशन दिए थे, अगर एग्जाम में पूछेंगे तो मुझे लगता है कि एज इट इज यही पूछेंगे आपसे, ध्यान देना। देखो सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ इनपुट गुड्स और सर्विसेज, ये डिटेल्स दी हुई है कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। फिर है ना आपको परसेंटेज दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज है टोटल, जैसे आप टोटल करोगे तो ये 100 आता है, इसका रिस्पेक्टिव परसेंटेज क्या है वो दिया हुआ है। एंड देन फाइनली डिटेल दी गई है वेदर इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर यस और नो, मतलब जहां वाई लिखा है मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है, एन लिखा है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया हुआ है। ठीक है चलो अपन यहां वर्किंग बनाते हैं, एकदम ध्यान देना ठीक है, बहुत इजी वर्किंग है। देखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड के तीन पार्ट है करेक्ट, सीमेंट कैपिटल गुड्स अदर्स, एकदम रफली लिखना बिकॉज रफ वर्किंग है। अब मुझे बात बताओ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का परसेंटेज कितना है। देखो y ये n एक ही है ना, तो इसको मैं गोल कर देता हूँ, y, ठीक है, तो एक ही अनरजिस्टर्ड से परचेज है, कितना परसेंटेज है 15% ना, तो अनरजिस्टर्ड से 15 और रजिस्टर्ड से 85, इतना क्लियर है। अब इसमें से 15 में से सीमेंट कितनी है, कैपिटल गुड्स कितना है, अदर्स कितने हैं। अब एक ही है वो भी सीमेंट ही है, मतलब पूरा का पूरा सीमेंट है, ये जीरो और ये जीरो। अब इन तीनों का आप टोटल करो, ऐसा देखो डायगोनली बॉक्स बनाना, 18 प्लस 15 पूरा 100% हो गया। अब इसको कंपेयर करो 80% से, 80% से ज़्यादा है, मतलब क्या इस पर आरसीएम पेमेंट नहीं है, पर ये जो सीमेंट थी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की उस पर कंपलसरी करना ही पड़ेगा, कितना, एट द रेट ऑफ 28%। समझ रहे, बहुत ईजी है। देखो एक और है ना सॉल्व करते हैं, शायद आपको आइडिया आएगा, सेम टाइप की इंफॉर्मेशन बस परसेंटेज इन्होंने ऊपर नीचे किया हुआ है। देखो y y y y y n, n को सर्कल कर देते हैं y n। अब देखो अपनी वर्किंग बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फटाफट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, क्लियर है। अब जब अनरजिस्टर्ड जब लिखोगे ना तब इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देना, बहुत ईजी है, सीमेंट कैपिटल गुड्स और अदर्स। अब मुझे बताओ अनरजिस्टर्ड के कितने परसेंटेज है टोटल, देखो 5 और ये 15, मतलब 20% ये है, 18% ये है। अब 20 में से सीमेंट के कितने हैं, कैपिटल गुड्स के कितने हैं, अदर्स के कितने हैं। देखो ये पेंट है 5%, ये एन क्या है, एल्यूमिनियम विंडोज प्लाई कमर्शियल गुड्स, मतलब कोई इनपुट कैपिटल गुड्स नहीं लग रहा है ना, तो 5 ये 15, 20 के पूरे अदर्स हैं, मतलब सीमेंट का कुछ भी नहीं है, कैपिटल गुड्स कुछ भी नहीं है। अब इन तीनों का टोटल करो कितना होता है, 80 + 0 + 0 80%, इसको कंपेयर करो 80% से, 80% है मतलब आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आएगी, ये पूरे सब में कहीं पे भी आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जहां सीमेंट था उसने वो रजिस्टर्ड पर्सन से ही परचेज किया था। इजी है ना। देखो एक और सम करते हैं तो आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, इलस्ट्रेशन 3, सेम बस परसेंटेज ऊपर नीचे किया है और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का डिटेल चेंज किया हुआ है। देखो जहां जहां एन है ना पहले उसको सर्कल कर दो ताकि आपको हाईलाइट हो जाए, यस, मतलब एन जहां पे है मतलब वो अनरजिस्टर्ड से परचेज किया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, वेदर इनपुट रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन यस और नो। ठीक है अपनी वर्किंग बना लेते हैं, सीसी ध्यान से एकदम देखो, हाँ बहुत ईजी है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड में तीन पार्ट करने हैं करेक्ट, सीमेंट कैपिटल गुड्स और अदर्स। ठीक है सबसे पहले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में डिवाइड कर दो, एन के कितने परसेंटेज है, 10 + 15 = 25, 25 + 15 = 40 + 10 = 50, मतलब 50-50%, 50% अनरजिस्टर्ड 50% रजिस्टर्ड। अब अनरजिस्टर्ड में भी डिवाइड करो, सीमेंट का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, अदर्स का कितना है। अब देखो अनरजिस्टर्ड में सैंड है मतलब अदर्स, सीमेंट है मतलब 15, तो यहाँ 15 लिख लो, फिर एन एल्यूमिनियम विंडोज प्लाई ये सब भी अदर्स में आ गए, कैपिटल गुड्स कुछ भी नहीं है, तो ये कितना हो गया 15 ये है, तो ये 35 हो चुका है परसेंटेज। एक तो आपको है ना देखो इस पे 28% आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड से परचेज किया हुआ है ना, एक कंडीशन था कि सीमेंट तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन से ही परचेज करनी है। अब तुम क्या करो इन तीनों का टोटल करो, देखो ऐसा डायगोनली बॉक्स बनाना, कितना होता है 50 + 15 कितना हुआ 65%, इसको कंपेयर करो किससे, 80% से,
तो शॉर्टफॉल है कितना, 15% का, करेक्ट। अब ये 15% पे क्या करना पड़ेगा, आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। ईजी था ना, ऐसा बना सकते हो वर्किंग, बस ये छोटा सा ही कंसेप्ट था। तो बस आप एक बार इस वर्किंग को एक बार प्रैक्टिस करो। ये इलस्ट्रेशन जो है वो मैं अपने टेलीग्राम लिंक चैनल पे लिंक देने वाला हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक देने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना और उसको देखना और एक बार आप खुद से सॉल्व करना, और हो सके तो ये जो रफ वर्किंग है एक बार बिना देखे आप बनाना। अगर ये बना लिया मतलब कैसा भी क्वेश्चन आया, अगर अमाउंट भी दे दे क्वेश्चन में, तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। इतना क्लियर है? देखो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया हुआ है तो। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस आगे लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।